हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आज मैं आपको कंप्रेसर चेक करना सिखाऊंगा कि कंप्रेसर को कैसे चेक करें कि कंप्रेसर ख़राब है या सही है। बेसिकली मेरे पास ये एक बर्बुल का कंप्रेसर है जिसकी स्पेसिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ADW66AK लिख रखा है। ये कुछ स्पेसिफिकेशन होती है, ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 से लेकर 240 लिख रखा है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, सिंगल फेस है और इसमें जो गैस डलेगा वो RE134A है, थर्मल प्रोटेक्टेड है, इसके अंदर थर्मो स्टेट लगा रहता है। तो आज हम इसे चेक करेंगे कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है, और कितना एम्पियर कितना करंट जो भी होता है सारा कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। तो बेसिकली हम इसके लिए एक क्लैंप मीटर यूज करेंगे, इसे आप मल्टीमीटर भी कहते हैं। क्लैंप मीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फंक्शन है क्लैंप का है, ये देखिए ये इससे हम करंट चेक करेंगे, इसलिए इसे मल्टीमीटर भी कहते हैं, क्लैंप मीटर भी कहते हैं, एज वेल एज एम्पियर मीटर भी कहते हैं। क्योंकि हम एम्पियर चेक कर रहे हैं तो इसे एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं। और उसके बाद एक हमारे पास कंटिन्यूटी टेस्टर है। कंटिन्यूटी टेस्टर से क्या होता है, हम इसके टर्मिनल को चेक करेंगे। नॉर्मली आप मेरे पास इसके टर्मिनल है, इसमें भी कंटिन्यूटी का ऑप्शन होता है, बट बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करके आपको दिखाऊंगा। देखिए ये टर्मिनल बोल रहे हैं, ठीक है, यानी ये टर्मिनल बोल रहे हैं, ये बॉडी से नहीं बोलना चाहिए, इसका कोई भी टर्मिनल बॉडी से नहीं बोलना चाहिए। तो कोई भी टर्मिनल बॉडी से नहीं बोल रहा, इसका मतलब क्या है, ये ठीक है, मतलब ये इसकी कंटिन्यूटी बोल रही, बॉडी से नहीं बोल रही, तो इसका मतलब ये ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब हम चेक करेंगे करंट। देखिए मैंने क्या किया है, करंट चेक करने के लिए मैंने क्या किया, एक कनेक्शन बनाया। इस कनेक्शन में क्या किया मैंने, एक रिले एक ओवरलोड लगाया। मैं रिले ओवरलोड को भी चेक कर लेता हूँ कंटिन्यूटी टेस्टर से। चेक करने के लिए क्या करना है आपको, ये हमारा ओवरलोड है, एक टर्मिनल आपको इस पर क्लिक करना है। आप एम्पियर मीटर से भी चेक कर सकते हैं, आपको जिससे सिंपल लगे जिससे आसान लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। एक मैंने यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, अगर ये जल गया तो इसका मतलब सही है। ये मैं जो मेरा ये मीटर, ये जो ये हमारा ओवरलोड है, ये मेरा ओवरलोड सही है। अब मैं चेक करता हूँ रिले को। रिले को चेक करने के लिए क्या करना है, एक इसमें डालना और एक दूसरे वाले में डालना। अगर ये ग्लो कर गया तो सही है, इसका मतलब रिले भी हमारा सही है। ये चेक करने का सिंपल तरीका है, वरना आप मीटर से भी चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इनमें से ना ज़्यादातर जो नए टेक्नीशियन होते हैं उनको ना लेफ्ट राइट का कन्फ्यूजन होता है, तो LG के अलावा जो LG का होता है, LG के अलावा सब में जो टर्मिनल होता है वो ज़्यादातर अप्रोक्सीमेट मैंने राइट हैंड साइड में देखा। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपके राइट हैंड साइड में पड़ेगा, तो LG के अलावा, और LG में उल्टा होता है, बस इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं इसको लगाता हूँ इसमें, ठीक है, और जो इस पर सप्लाई दूंगा वो 220 वोल्टेज का दूंगा, जिससे कि मैं करंट चेक कर पाऊँ। मैंने इसे लगा दिया। इस कंप्रेसर में तीन पाइप है, दो इनलेट है, एक आउटलेट है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा इनलेट है कौन सा आउटलेट है। देखिए जो इसमें ना दो इनलेट पाइप होता है, एक ये वाला है जो इनपुट सेक्शन है और एक ये है। कुछ लोग गैस चार्जिंग के लिए इसका यूज करते हैं, कुछ लोग गैस चार्जिंग के लिए इसका यूज करते हैं। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो डिस्चार्ज का होता है यानी जो आउटर पाइप होता है वो इसमें लगता है। ये जो आउटर पाइप होता है ये ज़्यादातर अप्रोक्सीमेट ये हार्ड होता है और ये मे बी आयरन का भी बना पड़ा होता है, कईयों में आयरन का भी दिया जाता है क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है कंपेयर टू कॉपर। मुझे क्या करना है, क्लैंप मीटर का क्लैंप मीटर को पहले सेट करना है। क्लैंप मीटर कितने पे सेट करना है, 20 एम्पियर पे सेट करना है। सभी एम्पियर मल्टीमीटर की रेंज अलग अलग होती है, तो आप अपने हिसाब से उस मीटर की रेंज को सेट करोगे। तो मुझे सेट करके किसी एक वायर पे, दोनों में से किसी एक वायर पे ये एम्पियर मीटर को लगाना है, दोनों में से किसी एक वायर पे। अगर मैं आप दोनों पे लगाऊंगा तो जो करंट होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और जो मुझे रिजल्ट दिखाएगा वो जीरो से दिखाएगा। इसलिए मुझे दोनों में से एक वायर पे क्लैंप मीटर को लगाना है। यहाँ पे मेरे पास पावर सप्लाई है, मैं पावर सप्लाई दे रहा हूँ। देखिए एम्पियर अपने आप ही बढ़ जाएगा, तो आप समझ जाएगा कि चालू हुआ या नहीं हुआ। मैं इस पर हाथ रख लेता हूँ तो ये बिल्कुल नहीं चालू हुआ, तो फिर मैं एक बार किसी और पॉइंट में लगा के देखता हूँ। मैंने इसे दूसरे बोर्ड में लगाया है, 1, 2, 3। देखिए ये कितना ले रहा है, 0.76 एम्पियर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए 0.75। मैं इसको होल्ड भी कर सकता हूँ। होल्ड करने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है उसको होल्ड कर दिया। क्या ले रहा है, 0.73। अब मैं इसको दोबारा लगा के चेक करता हूँ कितना ले रहा है, तो ये 0.72 अप्रोक्सीमेट ले रहा है। अब मैं चेक करता हूँ कंप्रेसर सही है नहीं। तो जो इसका आउटर पाइप है, इसका आउटर पाइप ही है, देखिए जो इसका आउटर पाइप है, इसमें तीन पाइप है, तो इसका आउटर पाइप ही है। इस पाइप को मुझे दबा के देखना है, क्या मैं इसके प्रेशर को रोक पा रहा हूँ। अगर इसके प्रेशर को नहीं रोक पा रहा तो इसका मतलब कंप्रेसर बिल्कुल सही है। अगर इसके प्रेशर को मैं रोक लेता हूँ तो इसका मतलब प्रेशर खराब है। आपके पास दूसरा तरीका क्या है कि आप गेज मीटर का लगा के, गेज मीटर का यूज करके आप इसमें प्रेशर एक पिन वाल लगा के आप इसका प्रेशर चेक कीजिए। उससे आपको एक एक्यूरेसी पता चल जाएगी कि जो आपका कंप्रेसर है वो वर्किंग कंडीशन में ये नहीं है। कंप्रेसर को चलना ही बड़ी बात नहीं होती, कंप्रेसर को वर्क भी करना चाहिए उस एफिशिएंसी से जिसके लिए उसे बनाया गया। तो अभी तो ये कंप्रेसर वर्किंग कंडीशन है, करंट भी ज़्यादा नहीं ले रहा है, इस हिसाब से वर्किंग कंडीशन है। लेकिन बस हमें प्रेशर चेक करना है, और प्रेशर चेक करने के लिए हमें इस पर एक पिन वाल लगाना पड़ेगा। पिन वाल लगा के हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वैसे तो ये हाथ नहीं रोक पा रहा, तो इसका मतलब कंप्रेसर सही है। लेकिन फिर भी हम इसको और एक्यूरेसी और अच्छे से
ये कर चेक करने के लिए हम इस पे एक पिन वाल लगाएंगे और उसके बाद एक हमारे पास गेज मीटर होता है, गेज मीटर लगा के इसका मैक्सिमम प्रेशर चेक करेंगे कि मैक्सिमम प्रेशर कितना जाता है। अगर मैक्सिमम प्रेशर इसका 350 PSI पास्कल चला जाता है तो इसका मतलब कंप्रेसर बिल्कुल ओके है 100%। अगर नहीं जाता तो इसका मतलब इस कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है। तो आप इस तरीके से कंप्रेसर को चेक कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई दिया और एम्पियर चेक किया। एम्पियर इस कंप्रेसर का एम्पियर 1.2 एम्पियर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर 1.2 से ज्यादा जाएगा तो ओवरलोड ट्रिप मार जाएगा और कंप्रेसर बहुत जल्दी कट ऑफ करने लगेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। और मैंने कुछ इसमें ज्यादा नहीं किया है। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।